टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की दौड़ में ये पांच ओपनर है सबसे आगे। टी20 विश्व कप का आयोजन इस साल 1 जून से होगा। यह टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज और अमेरिका के सह मेजबानी में खेला जाएगा। टी20 विश्व कप आईपीएल के ठीक बाद खेला जाएगा और ऐसे में हर खिलाड़ी इस लीग को बुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने पहले ही कह दिया था कि टी20 विश्व कप के लिए टीम आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर चुनी जाएगी। टीम इंडिया में ओपनिंग के लिए एक स्थान को लेकर भी कई खिलाड़ियों के बीच जंग जारी है। यह जंग ऐसी है कि एक स्थान को लेकर 5-6 खिलाड़ी एक ही रेस में बने हुए हैं। रोहित शर्मा का बतौर कप्तान और ओपनर खेलना तय है। उनके साथी के तौर पर किसी एक खिलाड़ी को चुना जाना है और यह जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगामी टी20 विश्व कप के लिए बतौर ओपनर भारतीय टीम में शामिल होने की दौड़ में है। नंबर 1, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज को चेन्नई ने सीजन शुरू होने से पहले ही कप्तान बनाया। वह आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार माने जा रहे हैं। हालांकि उनका करियर चोट की वजह से काफी प्रभावित रहा है। अगर उन्होंने आईपीएल में अच्छे रन बनाए तो टीम इंडिया में शामिल वह हो सकते हैं। नंबर 2, केएल राहुल। राहुल पिछले 2 टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के ओपनर रहे हैं। 2021 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन 2022 में वह कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय टी20 के कम ही मैच खेलते दिखे। हालांकि आईपीएल का एक अच्छा सीजन उन्हें टीम इंडिया में बतौर ओपनर जगह दिला सकता है। नंबर 3, विराट कोहली। हाल ही में कई रिपोर्ट सामने आई थी कि कोहली आगामी टी20 विश्व कप के लिए संभावित खिलाड़ियों में नहीं है। हालांकि एक पोजीशन है जिसके लिए विराट को चुना जा सकता है और वह है ओपनिंग। हालांकि इन खबरों का खंडन करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि किंग कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 4, शुभमन गिल। शुभमन ने वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी और वह टीम में चुने जाने की रेस में शामिल है। शुभमन का इस सीजन प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है और कुछ और शानदार प्रदर्शन उन्हें टीम में जगह दिला सकता है। नंबर 5, यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में रेस में सबसे आगे फिलहाल यशस्वी जायसवाल है। हालांकि उनका प्रदर्शन इस सीजन अब तक कुछ खास नहीं रहा, लेकिन कई रेंज में शॉट और कभी भी बड़े हिट लगाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यशस्वी आगामी टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और इन सब के अलावा भी ईशान किशन भी इस दौड़ में है। ईशान ने इस सीजन कुछ खास अच्छी पारियां खेली। हालांकि पिछले कुछ समय से बीसीसीआई के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। टी20 विश्व कप के लिए चुने जाने के लिए उन्हें बेहद असाधारण प्रदर्शन करना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप के लिए ओपनर के रूप में अपनी दावेदारी पेश करना चाहेंगे।